फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटे, प्रीवियस वीडियो से मैं आपको गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताना शुरू कर रही हूँ एंड इस वाले वीडियो में हम वही कंटिन्यू करेंगे कि गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985 एंड इससे पहले हम थोड़ा सा गंगा रिवर के बारे में देखते हैं कि गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, जो कहाँ से अराइज करती है? गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ हिमालय, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से अराइज करती है भागीरथी जी की फॉर्म में एंड इट क्रॉसेस मेनी स्टेट लाइक यूपी, एमपी, बंगाल एंड फाइनली मीट टू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके मिल जाती है एंड इट सर्व्स द नीड ऑफ 400 बिलियन पीपल्स। इट सर्व्स द नीड ऑफ 400 बिलियन पीपल्स विच आर लिविंग इन 100 टाउन्स एंड सिटी। कि इतने टाउन और सिटी में रहने वाले अप्रोक्सीमेटली 400 पीपल्स की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करती है। इसका जो वाटर होता है, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इरिगेशन एंड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। इन सब के लिए गंगा के रिवर पर वाटर को यूज किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि गंगा के जो वाटर है उसका मिसयूज होने लग गया, कि उसके अंदर बहुत सारा डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट, उसके अंदर लोग बाथिंग एंड वॉशिंग द क्लोथ्स एंड एक्सक्रीटिंग द गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हैंज बीन थ्रोन इन इट। लेकिन गंगा का जो वाटर था, गंगास वाटर इज मिसयूज्ड बाय डिस्चार्जिंग, क्या डिस्चार्ज किया जाने लग गया उसके अंदर सीवेज वेस्ट, इसके साथ में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, देन उसमें लोग क्या करने लग गए, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स एटसेट्रा। इन सब रीजंस की वजह से गंगा रिवर का जो वाटर है वो क्या होने लग गया, पोल्यूट होने लग गया। एंड जब वाटर में पोल्यूशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ है दैट स्टार्ट्स टू डैमेजिंग। एक्वेटिक लाइफ में हमारे फ्लोरा और फोना दोनों ही आते हैं और इसलिए गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। ए प्लान टू कीप गंगा रिवर क्लीन वाज लॉन्च्ड इन 1985 में फर्स्ट टाइम गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, जिसका सेकेंड फेज कब बिगिन हुआ बेटा, 1993 से 1995 में इसका सेकेंड फेज लॉन्च हुआ और इसका जो थर्ड फेज है दैट वाज इनिशिएटेड इन 2014 में थर्ड फेज लॉन्च हुआ गंगा एक्शन प्लान का। इस गंगा एक्शन प्लान का GAP के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गंगा एक्शन प्लान, जिसमें से फर्स्ट क्या था बेटा, टू रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन। इसका मेन पर्पज क्या था, रिडक्शन इन द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स वाटर, कि रिवर के पानी का पोल्यूशन लेवल है वो डिक्रीज करना। दूसरा क्या था, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वेस्ट, वेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, जो डोमेस्टिक सीवेज है उसका ट्रीटमेंट करना, टॉक्सिक और इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट है वो क्या करना बेटा, दैट शुड बी आइडेंटिफाइड ग्रोसली पॉल्यूटिंग यूनिट एंट्री इन टू द लीवर। नेक्स्ट था डाइवर्जन एंड ट्रीटमेंट ऑफ
सीवेज वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, कि सीवेज का और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है उसको रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाए ताकि लेस पोल्यूटेड वाटर को रिवर के अंदर ट्रांसफर किया जाए। नेक्स्ट क्या था बेटा इसका ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्राइम नोट एरिया ओवर द डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्रीमोटेरिया। नेक्स्ट बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट्स जिसकी वजह से लोग फीकस मटेरियल और यूरिन को रिवर के अंदर डायरेक्टली डिस्चार्ज ना करें। दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स विच आर टेकन अंडर द गंगा एक्शन प्लान, जो मेन GAP के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा कि गंगा एक्शन प्लान के ही थ्रू कि वाटर के पोल्यूशन लेवल को भी चेक किया गया कि कितना वाटर पोल्यूटेड है, कितनी ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूशन हो गया है वाटर के अंदर। तो कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू वाटर के अंदर पोल्यूशन के लेवल को मेजर किया जाता है, तो उनमें से हम कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर, मेजरमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर के अंदर पोल्यूशन के लेवल को कैसे मेजर किया जाए। उसमें से सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है दैट इज टोटल कॉलीफॉर्म काउंट। यहाँ पे जो मैंने कॉलीफॉर्म वर्ड लिखा है, ये कॉलीफॉर्म क्या होते हैं बेटा, कॉलीफॉर्म आर द बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द ह्यूमन फीकस मटेरियल। ठीक है, जितना ज्यादा कॉलीफॉर्म कंटामिनेशन वाटर के अंदर होगा उतना ही ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा। आप टोटल एस्टिमेटेड आइडिया माना जाता है 100 ml वाटर के अंदर कितनी प्रोबेबल नंबर है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का। मोर विल बी द कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, मोर विल बी द पोल्यूटेड वाटर। एंड ये जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया दे आर द एसेंशियल इंडिकेटर ऑफ द कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म bacteria are essential indicator of pollution. ये pollution को indicate करने का एक essential तरीका है। These coliform bacteria ये किसमें मिलते हैं बेटा, they are found in human fecal material. human का जो fecus होता है और we can say human का जो excreta होता है उसके अंदर ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलते हैं। मोर विल बी कोलीफॉर्म काउंट, मोर विल बी द पोल्यूटेड वाटर, मोर विल बी पोल्यूटेड वाटर। जितना ज्यादा कोलीफॉर्म का नंबर वाटर के अंदर होगा उतना ही ज्यादा वाटर का पोल्यूशन हो रखा होता है। ठीक है, कैसे मेजर किया जाता है बेटा, इट मेजर द मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ वाटर के अंदर कितना कोलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस व्याप पे इसके काउंट का एक एस्टिमेट आइडिया लगाया जाता है। और अगर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा दैट मीन्स कि उस वाटर में कॉन्टामिनेशन फिकस मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा है। और ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, दे आर पैथोजेनिक इन नेचर। पैथोजेनिक का मतलब ये डिजीज कॉजिंग होते हैं एंड दे कॉज वाटर बोर्न डिजीज, कुछ ऐसी डिजीज जो कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू, जैसे कि टाइफाइड कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर उसका बैक्टीरिया ट्रांसमिट कर जाता है। तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जब वाटर के अंदर ज़्यादा मिलेगा दैट मीन्स कि उस वाटर के अंदर बहुत सारा फिकस मटेरियल डिस्चार्ज किया गया है और वो वाटर उतना ही ज़्यादा
पोल्यूटेड हमें मिले। सेकंड बेटा कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं। दीज कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आर फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन के अंदर इंटेस्टाइन में ये मिलते हैं, इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, और जो फिकस मैट्रिक्स के थ्रू ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट वे बाय विच वी कैन मेजर द पोल्यूशन लेवल ऑफ वाटर। सेकेंड वे जिसके थ्रू हम पोल्यूशन के लेवल को मेजर करेंगे दैट इज पीएच इंडिकेटर। ठीक है, सेकेंड होगा बेटा पीएच। पीएच क्या होता है बेटा? इट इज द इंडिकेटर ऑफ द मेजरिंग द रिलेटिव एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द वाटर। इट इज द इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। वाटर की एसिडिटी और एल्कलिनिटी को मेजर करने का जो तरीका दैट इज पीएच इंडिकेटर। अगर वाटर की पीएच 9.5 या उससे ज्यादा है, अगर पीएच वैल्यू इज 9.5 और अबोव, दैट मीन्स कि इट इज वेरी हाई एल्कलाइन वाटर। और अगर पीएच की वैल्यू 3 और लेस है, दैट मीन्स कि वाटर इज हाईली एसिडिक इन नेचर। जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, उसकी पीएच कितनी मानी जाती है? 6.5 से 8.5 के बीच अप्रोक्स उसकी पीएच होती है। इस तरीके से बेटा यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर होता है, एक यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर जो हमें लेबोरेटरी के अंदर इजिली अवेलेबल हो जाता है। यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर के थ्रू बाय मेजरिंग द पीएच ऑफ वाटर इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई इट्स पोल्यूशन लेवल। हम वाटर का पोल्यूशन बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उस वाटर की पीएच को कंफर्म करके। और अगर वाटर की पीएच बहुत ज़्यादा या बहुत कम है तो दोनों ही केसेस के अंदर वाटर पोल्यूटेड होगा। तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द पोल्यूशन लेवल ऑफ वाटर। गॉट इट? इसके बाद जो थर्ड मेथड आएगा दैट इज BOD। देखेंगे बेटा BOD की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। BOD क्या होगी कि 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर 1 लीटर वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करेंगे दैट इज नोन एज BOD। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास ये पानी दे दिया गया वाटर, इसमें अगर मान लो बहुत सारी ऑर्गेनिक वेस्ट है तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी इसको कंज्यूम करने के लिए, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी शो करेंगे तो उनको मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर इसका मतलब BOD इंक्रीज कर दें, BOD इंक्रीज क्यों की है? क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट क्या था बेटा? ज़्यादा है। और ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तो जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो BOD हाई होने का मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट हाई, और ऑर्गेनिक वेस्ट हाई होने का मतलब हाई पोल्यूशन। ठीक है, दो आते हैं टर्म, एक तो BOD दिखाती है, DO का मतलब होता है डिजोल्ड ऑक्सीजन। किसी वाटर में BOD इंक्रीज कर रही है, BOD ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर रहा है। BOD और DO के लिए कई बार ये वाले ग्राफ शो किए जाते हैं इस तरीके से। अगर DO डिक्रीज कर रही है तभी तो BOD इंक्रीज हो रही है। बोथ ऑफ DO एंड BOD आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा BOD को? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक वेस्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई माइक्रोब्स टू डीकम्पोज
The organic waste present in 1 liter of water, 1 liter पानी के अंदर organic waste को decompose करने के लिए कितनी amount में oxygen चाहिए microorganism को, that is known as POD. If higher the value of BOD, more will be polluted water. इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से देख दिया जाए कि वाटर के दो सैंपल हैं, एक के अंदर बीओडी की वैल्यू 100 है, दूसरे के अंदर बीओडी की वैल्यू 150 है, तो बताओ कौन सा ज्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा, 150 वाला है ना. दूसरा आप क्या बता सकते हैं बेटा, डिजोल्व ऑक्सीजन के बिहाफ में भी, डीओ, डीओ का मतलब होता है डिजोल्व ऑक्सीजन. डिजोल्व ऑक्सीजन तो सिंपली जो वाटर के अंदर डिजोल्व रहती है उसको कहते हैं. अगर बीओडी हाई है तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सपोज करो कि मैं आपको दो सैंपल दूं वाटर के, सैंपल ए एंड सेकंड डेरिवेटिव सैंपल बी. मैं ये बताऊं बेटा इसकी बीओडी 50 है और इसकी बीओडी 80 है, इसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है कितनी, 20, और इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है 10, तो इन दोनों में से कौन सा वाटर ज्यादा पोल्यूटेड है, इसमें ये वाला वाटर ज्यादा पोल्यूटेड. आपको बीओडी के सेंस में देख लो, बीओडी के सेंस में देखोगे तो जिसके जितनी ज्यादा बीओडी उतना पोल्यूटेड. अगर डिजोल्व ऑक्सीजन के सेंस में देखोगे तो जिसमें जितना कम ऑक्सीजन वो उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड वाटर. ठीक है, ये दोनों टर्म एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इस तरीके से हम एक वाटर सैंपल के अंदर, एक वाटर में उसकी बीओडी को कैलकुलेट करते हैं और बीओडी के बिहाफ पे भी हम क्या बता सकते हैं कि वाटर कितना ज्यादा पोल्यूटेड है या कितना कम पोल्यूटेड है. तो ये तो बात थी बेटा कि किस तरीके से हम रिवर्स के अंदर जो पोल्यूटेड वाटर है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो उसमें गंगा एक्शन प्लान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, कि जो सीवेज ट्रीटमेंट के सीवेज वाटर डाला जाता है उसको पहले डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीटेड वाटर डाला जाए जो कि कम पोल्यूटेड हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाटर के अंदर कितना पोल्यूशन लेवल है वो हम किस तरीके से देखें, तो उसको मेजर करने के भी ये कुछ डिफरेंट तरीके दिए गए हैं इन विच वी कैन मेजर द पोल्यूशन लेवल ऑफ द वाटर. इसके अलावा बेटा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 3R फॉर्मूला दिया जाता है, जो 3R फॉर्मूला आजकल 5R में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके बारे में और हम स्टडी करते हैं 3R फॉर्मूला.